नमस्कार दोस्तों, यूके इंटरव्यू के क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन आता है। अलग अलग वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन ये वाली वीडियो बाकियों से डिफरेंट होगी क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा यूके इंटरव्यू के क्वेश्चंस। केस स्टडी के साथ मैं कर रहा हूं और इसके पास मेरे पास इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल है कि कैसे कैसे वीजा ऑफिसर क्वेश्चन पूछते हैं। एक सेट ऑफ गाइडलाइन होता है, पहले वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होके कोर्स से रिलेटेड और जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है यूके वीजा इंटरव्यू को लेकर। सो मेरी एडवाइस है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। एंड स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग, यूके के स्टूडेंट वीजा नेक्स्ट सितंबर इंटेक की एप्लीकेशन लगानी है तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं, विद और विदाउट आज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। सो स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। तो सबसे पहले जब इसमें बात करते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम वगैरह आपको कन्फर्म करते हैं तो आपने उसका आंसर देना होता है क्योंकि वैसे क्लियर ही होता है, लेकिन उनके जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग देखे तो ये उन्होंने कन्फर्म करना है। और एक क्वेश्चन वो जो पूछते हैं कि आप उनको क्लियरली सुन पा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, आप बीमार तो नहीं है, यू आर फीलिंग वेल, मैं आपको आवाज आ रही है, हम इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो आपकी परमिशन लेते हैं। ये उनके क्लॉज में होता है कि आप अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप परमिशन देते हो यस ठीक है, तो उनका जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ठीक है कि वो प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आगे अगर बात करें तो ये बेसिक था क्योंकि वो आपको गाइड कर देते हैं, जिनका इंटरव्यू हुआ आई एम श्योर वो जानते होंगे कि वो कहते हैं कि हम टाइपिंग करेंगे आंसर की, तो आपको क्वेश्चन आंसर हम रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। सो इसकी आपकी सारी जब वो यस आपने करना होता है तो वो हो गया, उसके बाद वो मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन होता है अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से मेन स्टार्ट होता है। तो यहाँ का जो ट्रांसक्रिप्ट में मेन क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो वो है व्हाट कोर्स विल यू बी स्टडी, आप कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। सो उनको पता है यूके में आ रहे हैं, यूके का वीजा ऑफिसर है, यूके में कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पे आपका आंसर होना चाहिए कोर्स के रिलेटेड। कई बच्चों ने आंसर ऑल दे देते हैं, वो कंट्री के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं जो रटी हुई चीजें होती हैं, तो रटी हुई चीजें यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, इसका एक एग्जैक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए। फिर क्योंकि अगर आंसर उनको सही नहीं लगता वो दोबारा से क्वेश्चन पूछते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो अगर बच्चा सही आंसर देता है वेल एंड गुड, है फॉरवर्ड करते हैं, गलत भी देता है तो आपको वहां टोकते नहीं है, वो क्रॉस क्वेश्चन ही करते हैं जो आगे फर्दर क्वेश्चन में कंटिन्यू कर देते हैं। फिर वे पूछते हैं जो कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट यूनिवर्सिटी डिड यू अप्लाई टू स्टडी एट, व्हाई नॉट स्टडी इन इंडिया, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है और इंडिया में आप क्यों नहीं स्टडी कर रहे, तो इसका भी आंसर होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूं बच्चों के जब रिफ्यूजल हमारे पास लेके आते हैं तो केस स्टडी जब करते हैं तो वहां बच्चों ने अजीब से आंसर दिए होते हैं जो लॉजिक के बाहर होते हैं। सो कुछ बच्चों ने लिखा होता है कि हमें जो है अगर बाहर पढ़ते हैं तो हमें जो उनकी डिग्री है वो इंटरनेशनल डिग्री मिलती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, हमें बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती है। सो ऐसे कुछ भी नहीं, देखो इंडिया में भी अगर हम बात करें कि इंडिया की डिग्री की वैल्यू नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, इंडिया में IITs हैं, आप उसको देखो उसकी डिग्री की कितनी वैल्यू है। तो ये कहना कि इंडिया की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनेशनल डिग्री की ज्यादा वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया की डिग्री की वैल्यू बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि यहाँ पे आपको पता ही है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है एजुकेशन सिस्टम अलग तरीके से, थोड़ा लॉजिकल मेरे कहने का मतलब है कि आप आंसर को रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। सो एक और क्वेश्चन वो पूछते हैं जो कॉमन में, मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ जो कॉमन कौन क्वेश्चन है हर किसी को पूछते हैं। सो मैं आंसर वगैरह क्योंकि काफी बंदे का इंडिविजुअल होता है तो आंसर मैं आपको ऐसे नहीं बताता, मैं थोड़ा सा हिंट आपको साथ में दे रहा हूँ। आपकी लास्ट स्टडी की, व्हेन डिड यू स्टडी, आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी व्हेन लास्ट स्टडी आपने कब की थी उसका वो आंसर पूछते हैं, आपने उसका आंसर प्रोवाइड कर देना। इन बिटवीन आपने क्या किया, आपने जॉब की, क्या नहीं किया, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है बीच में से आती रहेगी। सो आपको ट्रैवलिंग के लिए कौन स्पॉन्सर कर रहा है, हु इज पेइंग फॉर योर स्टडी एक्सपेंसिस, उसमें आप बता सकते हो। और माइंड को ओपन रखना, मेरी जो क्लियर एडवाइस है वो सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हो, इस ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा हुआ है, बच्चे से बार बार रिपीट कराए गए क्वेश्चन और बच्चे के आंसर मिसमैच हो रहे थे, नो डाउट वहां पे बच्चे की गलती है, कहीं वो फाइनेंशियल को लेकर कुछ कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है, तो आप एक्टिव होके आंसर को क्लियर सुने वो क्या कहना चाहते हैं और आपका आंसर ऐसे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पे एक और पूछते हैं कि आप फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या है, आप फाइनेंशियल के होगे कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, वहां पे फ्यूचर में क्या करोगे, तो वहां आप कहते हो कि इंडिया में आके जॉब्स वगैरह करूंगा। तो यहां पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, एक होता है कि बच्चा जॉब कर रहा है, हमें होता है कि फाइनेंशियल अच्छे बताएंगे तो शायद वीजा आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उनको पता है कि इस जॉब पे क्या सैलरी है। जो एक बच्चे का मैंने देखा, उसने कहा कि मैं जॉब कर रहा हूँ अकाउंटेंट का, मैं असिस्टेंट हूँ, ठीक है, तो उसकी सैलरी क्या, बच्चे ने बताई मेरी 80,000 सैलरी है,
ठीक है, और किसी प्राइवेट ऑफिस में ही है तो उनको भी पता है कि प्राइवेट ऑफिस में एक अकाउंटेंट के असिस्टेंट की सैलरी क्या होती है, 3,000 तो नहीं होती। तो फिर पूछा कि वापस अब आओगे तो आपको क्या ग्रोथ मिलेगी, तो वो कहता कि मुझे फिर से सेम पैकेज बोल दिया कि मुझे इतना पैकेज मिल जाएगा, जबकि बच्चे को ही नहीं पता कि मैं पहले क्या पैकेज बता रहा हूँ, साल की अर्निंग अब मैं क्या बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है क्वेश्चनिंग आउट ऑफ की सिलेबस नहीं आती, क्वेश्चनिंग जो टू दी पॉइंट क्वेश्चंस है, इसमें कुछ और क्वेश्चन होते हैं मैं आगे आपको भी मोटे मोटे बता दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, फ्यूचर बेनिफिट क्या है, बाकी कौन सी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किया, आपकी फ़ीस क्या है, कितनी फ़ीस आपने पे की है, आपके फाइनेंशियल आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आप जॉब करते थे तो आपकी एनुअल अर्निंग क्या है, आपकी फैमिली की एनुअल अर्निंग क्या है, और लास्ट में ये सारे क्वेश्चन करने के बाद वो एट लास्ट में पूछते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए थे, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वहां पे मोस्टली हम कह देते हैं कि कोई इशू नहीं, मैंने कुछ ऐड ऑन नहीं करना, तो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। ये सारी स्टेटमेंट जो जो इंटरव्यू की जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकाली है, इस पे हर स्टेटमेंट आपकी नोटिस होती है। सो अगर आप कुछ ऐड ऑन करते हो, कहीं गलती होगी तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपको पता है। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चे की प्रेपरेशन बढ़िया है, जिसका विजन क्लियर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। लास्ट में वो क्लोजिंग कर देते हैं आपको पूछ के, और जब इन केस किसी का वीजा रिफ्यूजल आता तो उसका रिफ्यूजल लेटर पढ़ना, वो एक एक वर्ड आपका यूज करते हैं कि आपने ये कहा। तो तैयारी अच्छे से करें, यूके वीजा देता है वो जेन्युइन स्टूडेंट चाहता है, और जेन्युइन स्टूडेंट इंटरव्यू जरूर क्लियर कर लेगा। आपके लिए गुड लक है। सो किसी भी तरह के स्टूडेंट वीजा के रिगार्डिंग कोई और सवाल है तो आप हमारी टीम को 9041090410 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।